आज अपना सेशन है डेटा क्राइटेरियन एक्सेस क्वेरी। देखिए क्वेरी होती क्या है, क्वेरी नथिंग बट एक टाइप की रिक्वेस्ट होती है जो डेटा के फील्ड के डेटा के रिजल्ट को डिस्प्ले करती है। यूजिंग क्वेरी हम किसी भी कॉलम फील्ड में कैलकुलेशन कर सकते हैं, मोर देन वन टेबल के डेटा को ज्वाइन करके एक सिंगल फॉर्म पर डिस्प्ले कर सकते हैं। कॉलम फील्ड में पैरामीटर क्राइटेरिया यूज करके रिक्वायरमेंट अनुसार डेटा को सॉर्ट कर सकते हैं। इसमें टेक्स्ट फील्ड, नंबर फील्ड, डेट फील्ड में हम क्राइटेरिया यूज कर सकते हैं। तो इस सेशन में हम लाइव प्रैक्टिकल से देखेंगे कि डेट फील्ड में सिंपल क्राइटेरिया देकर डेटा को कैसे डिस्प्ले किया जाता है। ठीक है, तो अपने पास क्राइटेरिया टाइप जैसे कि आप देख रहे हो, क्राइटेरिया टाइप में टुडे, बिफोर, आफ्टर, बिटवीन, डे बिफोर, टुडे। तो ये इसको फील्ड के अंदर हम इसको कैसे लिखेंगे और हम रिजल्ट को कैसे देखते हैं, तो ये हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक्सेस ओपन कर लिया है और इसमें मैंने ऑलरेडी पहले के सेशन में जो क्लास हुई थी उसके दो टेबल बनाई थी, तो दो टेबल बनी हुई है और उसके लिए मैंने एक दो टेबल को ज्वाइन करके एक क्वेरी बना रखी जिसका नाम है स्टूडेंट मार्कशीट। तो आज हम स्टूडेंट मार्कशीट में का जो क्वेरी बना रखी है, दो टेबल को ज्वाइन कर रखा है, उसके डिजाइन व्यू में जा करके हम अलग अलग तरह से इसको यूज करके देखेंगे कि इसमें क्राइटेरिया कैसे दे सकते हैं। तो पहले तो हम देखते हैं कि एक सपोज ये देखिएगा, डेट फील्ड देखिएगा, डेट फील्ड में बर्थ डेट वाला फील्ड में हम एक डेट से दूसरे डेट के बीच में डेटा डिस्प्ले करना है। सपोज हम चाहते हैं कि 23 मार्च 2004 से 14 दिसंबर 2005 तक डेट ऑफ बर्थ वाले बच्चे कितने, अगर ये अगर डिस्प्ले कराना है तो उसके लिए हम क्या क्वेरी करेंगे। पहले मैं डेट लिख देता हूँ, डेट इसकी क्या है, 23 मार्च से लगा करके ये अपने को 18 मई 2005 तक के बीच में जितने भी स्टूडेंट हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इनके बीच में वो कितने स्टूडेंट हैं। तो राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे डिजाइन व्यू में जाना है और डेट बर्थ वाला ये फील्ड है, इसमें देखिएगा आपको दिख रहा है क्राइटेरिया। क्राइटेरिया फील्ड में जाके आपको टाइप करना है, क्या टाइप करना है, बिटवीन के बाद आप क्या करेंगे, हैश, और आपको डेट देनी है 23 मार्च 2004, 23:03:04 हैशटैग देंगे इसको, उसके बाद होगा यूज करेंगे एंड के बाद में हैशटैग 18 मई 2005। ओके, डेटा डिस्प्ले कराने कहाँ से, 23/3/2004 से 18/5/2005 जिन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ हो उनका रिकॉर्ड शो हो जाए। तो क्या करेंगे, हम सेव करेंगे और क्लिक करेंगे रन पे। अब देखिए हमारे पास दो बच्चे हैं जिनके रोल नंबर 1007 और 1011, इनके रोल नंबर हैं। ये दो बच्चे ऐसे हैं जिनका डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में आ रहा है। ओके, 18 मई 05/23 मार्च 2004। ओके, तो ऐसे हम इस पर प्राइमरी क्वेरी यूज करके डेटा को डिस्प्ले कर सकते हैं। वापस जाएंगे हम डिजाइन व्यू में, बिटवीन वाला आपने देख लिया, उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। सपोज हमें चाहिए कि जो भी रिकॉर्ड इसके अंदर है, इसमें आ जाइए आप डिजाइन व्यू, मैं चाहता हूं कि 18 मई 2005 से जो पहले का रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले हो, हम क्या करेंगे, लेस देन 18 मई 2005। देखिएगा, देखिए 18 मई 2005 से जो भी रिकॉर्ड था वो डिस्प्ले आ गया 23 मार्च 2004। अब इसमें देख सकते हो आप 18 मई 2005 से पहले जो रिकॉर्ड था, उससे पहले 18 मई 2005 से पहले एक रिकॉर्ड है 23 मार्च 2004 वाला, उससे पहले कोई रिकॉर्ड है नहीं। ठीक है,
और आप चाहते हैं कि 18 मई 2005 के बाद का रिकॉर्ड से हो, तो आप इसको ग्रेटर देन यूज करके रन करेंगे। ये देखिए इसके बाद का जो भी रिकॉर्ड है, इसके बाद का 18 मई जो हमने देखा है, हमने देखा था 18 मई 2005, 18 मई 2005 के बाद जो भी रिकॉर्ड था उससे पहले वाला रिकॉर्ड नहीं दिखाएगा। 23 मार्च 2004 वाला का रिकॉर्ड इसने नहीं दिखाया। देखिए दिखाई दे रहा है, उसके बाद बिफोर का हो गया, आफ्टर का हो गया। इसमें आप टुडे का भी यूज कर सकते हो। सपोज इसमें आपने टुडे की डेट, टुडे का कोई रिकॉर्ड अपने पास नहीं है, सपोज हम चाहते हैं कि आज का रिकॉर्ड इसमें दिखे, क्या करेंगे, लिखेंगे फॉर्मूला DATE, इसको रन करेंगे तो हमारे पास आज कोई रिकॉर्ड नहीं, आज की डेट का कोई रिकॉर्ड है नहीं, जिसका डेट ऑफ बर्थ आज हो या आज जिस डेट में हम कर रहे हैं वो है नहीं इसमें रिकॉर्ड, तो ये इसमें शो नहीं होगा। डेजर में जाएंगे, फिर डेट वाला ऑप्शन हो गया, डेट के बाद में बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया। आप इसमें ऐसे भी कर सकते हो कि आपको चाहिए कि आज की डेट से 15 दिन पहले जो भी बच्चे जिनका बर्थ है, या सपोज मैं लिखता हूँ हैश, एक इसमें से डेट चूज करते हैं, डेट चूज करते हैं हम लोग, सपोज 19 अप्रैल 2006, इस डेट से जो 15 दिन पहले का कोई रिकॉर्ड शो करना है तो हम लिखेंगे 15 डेज, जाएंगे इसको रन करेंगे, कोई रिकॉर्ड नहीं है तो कोई रिकॉर्ड इसमें डिस्प्ले नहीं होगा। ठीक है, तो देखिएगा डेट का हो गया, बिफोर आफ्टर का हो गया, बिटवीन का हो गया और डे वाला, ये चारों ऑप्शन आपके क्लियर हो गए। इस तरह से आप डेट क्राइटेरिया के अंदर अपनी एक्सेस क्वेरी यूज करके डेटा को डिस्प्ले करवा सकते हो और उन फॉर्म उस क्वेरी को आप सेव करके बना सकते हो। तो आई होप ये सेशन आपके अच्छे समझ में आ गया, इसमें कुछ डाउट नहीं होने चाहिए। थैंक यू।